प्रेसी 2003, इफ देन अ प्रैक्टिकल एंड मस्ट बी असाइंड टू अ यूनिवर्सिटी कोर्स। अगर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को या कोर्स को फिर कोई अमली मकसद दिया जाना चाहिए तो आई से मैं कहता हूँ इट इज़ दैट ऑफ ट्रेनिंग गुड मेम्बर्स ऑफ ए सोसाइटी। तो ये मकसद ये है कि सोसाइटी के मेम्बर्स को ट्रेनिंग देकर अच्छा बनाना है। तो यहाँ पे लफ्ज़ एंड का मतलब है मकसद और असाइंड उसको दिया जाना, और यहाँ पे देन का लफ्ज़ जो है वो पिछली कोई बात है जो यहाँ पैराग्राफ में नहीं दी हुई, लेकिन चूंकि किसी बुक में से लिया गया है तो जो पैराग्राफ में कोई बात पीछे चल रही है उसके तसलसल में साथ कहा है कि फिर अगर कोई अमली मकसद दिया जाना चाहिए तो। इट इज़ द आर्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड इट्स एंड इज़ फिटनेस फॉर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इट का मतलब है यूनिवर्सिटी का कोर्स या सिलेबस, और या इसका मतलब है यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली ट्रेनिंग। वो जो ट्रेनिंग है इज़ द आर्ट ऑफ सोशल लाइफ, वो एक सोशल लाइफ का फ़न है। सोशल लाइफ का मतलब ये है मिलजुल कर रहने का एक फ़न है। एंड इट्स एंड और इसका मकसद इज़ वो है फिटनेस फॉर द वर्ल्ड, इस बात का कि वो दुनिया में फिट हो सके, यानी इस जिनको ट्रेनिंग दी जाए तो वो दुनिया में फिट हो सके। इट नाइदर कन्फाइंस इट्स व्यूज़ टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशंस। तो जो सिलेबस है वो ना तो महदूद कर लेता है अपनी सोच को, अपनी राय को किसी ख़ास प्रोफेशन तक। ऑन द वन हैंड एक तरफ, नॉर क्रिएट्स हीरोज, ना ही ये कोई हीरो पैदा करता है और इंस्पायर्स जीनियस या जीनियस को इंस्पायर करता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, वर्क्स जो काम हैं, जो शाहकार हैं, जो कारकर्दगी है इन डीड ऑफ जीनियस, जीनियस की जो कारकर्दगी होती है, फॉल अंडर नो आर्ट, वो किसी आर्ट के ज़ुमरे में नहीं आती, उसके मातहत नहीं है। क्यों? हेरोक माइंड्स कम अंडर नो रूल। जो हीरो वाले जहन होते हैं, जो रूल करने वाले जहन होते हैं, जो लीड करने वाले जहन हैं, वो कम अंडर नो रूल, वो किसी कानून के तहत नहीं आते। फिर अ यूनिवर्सिटी कोर्स इज़ नॉट अ बर्थ प्लेस ऑफ पोएट्स आर ऑफ इमॉर्टल ऑथर्स। यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी है वो कोई जगह नहीं है जहाँ पे शायर को शायर बनाए जाएँ, यहाँ ऐसे मुसन्नफ़ बनाए जाएँ जो हमेशा कायम रहने वाले हों, इमॉर्टल, लाफानी। ऑफ फाउंडर्स ऑफ स्कूल्स, ना उसका ये काम है कि स्कूल के जो फाउंडर्स हैं बानी वो वहाँ पे उनको तरबियत दी जाए। लीडर्स ऑफ कॉलोनीज, ना ये मकसद है कि कॉलोनीज या कौमों के लीडर बनाए जाएं, और कंकरर्स ऑफ नेशन या हुकूमतों के या कौमों के फातहीन बनाए जाएं, ये उसका मकसद नहीं है। इट डज नॉट प्रोमिस अ जनरेशन ऑफ अरिस्टोटल्स और न्यूटन्स, ऑफ नेपोलियंस और वॉशिंगटन्स, ऑफ रेफेल्स और शेक्सपियर्स दो। अगरचे ये कोई ऐसा वादा तो नहीं करती कि ये अरिस्टोटल जैसी जनरेशन पैदा कर देगी, न्यूटन जैसी पैदा कर देगी, नेपोलियन पैदा करेगी, वॉशिंगटन पैदा करेगी, राफेल्स पैदा करेगी या शेक्सपियर पैदा करेगी। ताहम सच मिरेकल्स ऑफ नेचर, फितरत के ऐसे मिरेकल, करिश्मे, यानी कि ये जो सारी शख्सियात हैं, इट हैज़ बिफोर नाउ, अब से पहले तक, कंटेन्ड विद इन इट्स प्रिसिंक्ट्स, वो इस यूनिवर्सिटी के हदूद अरबा के अंदर अंदर ही आया करते थे। वो लोग जो ये सारा कुछ बने हैं, ये किसी ना किसी सेंस में यूनिवर्सिटियों से ही निकले हुए थे, अगरचे यूनिवर्सिटी की ये जिम्मेदारी नहीं है। नॉर इज़ इट कॉन्टेंट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ना ये चुप करके बैठ जाती है यूनिवर्सिटी, विद फॉर्मिंग द क्रिटिक्स और द एक्सपेरिमेंटलिस्ट, के नकाद बना दे और
तजर्बे करने वाला बना दे जिसको खुद अपनी चीज़ों का पक्का यकीन ना हो, एक्सपेरिमेंटलिस्ट द इकोनॉमिस्ट ना इसका मकसद है कि इकोनॉमिस्ट बनाने की हद तक है, और द इंजीनियर ना इसका मकसद है इंजीनियर बनाने की हद तक। दो अगरचे सच टू ये चीज़ें भी इट इंक्लूड्स यूनिवर्सिटी का सिलेबस रखता है विद इन इट्स स्कोप अपने स्कोप के अंदर अपने फैलाव के अंदर अपने दायरा असर के अंदर। बट अ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इज द ग्रेट ऑर्डिनरी मीन्स, लेकिन यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग एक अजीम लेकिन आम सा जरिया है टू अ ग्रेट ऑर्डिनरी एंड, एक अजीम लेकिन आम से मकसद के हसूल के लिए उसका जरिया है। जो यूनिवर्सिटी सिलेबस है वो क्या है, इट एम्स एट, इसका मकसद है रेजिंग द इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ सोसाइटी एट कल्टिवेटिंग द पब्लिक माइंड एट प्योरीफाइंग द नेशनल टेस्ट एट सप्लाइंग ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलर एस्पिरेशंस। तो इसका मकसद ये है कि इंटेलेक्चुअल टोन को वो बुलंद करे, यूनिवर्सिटी के सिलेबस का मकसद ये है कि इंटेलेक्चुअल टोन दानिशवाराना सोच को उभारे बढ़ाए, कल्टीवेट करे पब्लिक माइंड को, अवामी जो जहन है सोच है उसमें हमवारी पैदा करे, उसको स्मूथ करे, खालस करे, प्योरीफाई करे, खालस करे कि कौमी ज़ौक को, कौमी सोच को खालस करे, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बेमकसद चीज़ें निकाल दे, एड सप्लाइंग ट्रू प्रिंसिपल और सही जो असूल हैं वो प्रोवाइड करे। वो कौन से असूल, जो पॉपुलर एस्पिरेशन अवाम नास की सोच तखयलात और उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक हों, एस्पिरेशन का मतलब ख्वाहिशात। इट इज़ द एजुकेशन, अब आगे एजुकेशन की बात हो रही, इट इज़ द एजुकेशन, ये तालीम है विच गिव्स अ मैन अ क्लियर कॉन्शियस व्यू ऑफ हिज ओन ओपिनियंस एंड जजमेंट्स। तालीम ही है जो बंदे को बताती है, देती है एक वाज़े सोच, कॉन्शियस व्यू, वाज़े होशमंद सोच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज ओन ओपिनियंस एंड जजमेंट्स, अपनी ही राय और अपने ही अंदाज़ों के बारे में। तो यानी कि ये एजुकेशन ना हो तो इंसान अपनी सोच और अपनी राय को भी नहीं पहचान सकता। और अ ट्रुथ, ये एक सच्चाई देती है इन डेवलपिंग देम, और इस बात की कि इस सच्चाई को आगे बढ़ाया जाए, एन एलोकेंस, दलील देती है इन एक्सप्रेसिंग देम, उस सच्चाई को और उन व्यूज़ को बयान करने में दलील प्रोवाइड करती है, एंड अ फोर्स, और कुव्वत फराहम करती है एजुकेशन इन गिविंग इन अर्जिंग देम, उन पर ज़ोर से बात करने के लिए। इट टीचेस हिम, ये इंसान को, एक तालिब इल्म को सिखाती है टू सी थिंग्स, के चीज़ों को देखा जाए, समझा जाए एज दे आर, जैसा कि वो असल में हैं, टू गो राइट टू द पॉइंट, और किसी पॉइंट, किसी नुक्ता नज़र, किसी नुक्ता या सोच तक बराह रास्त पहुँचा जाए, टू डिस एंटेंगल अ स्किन ऑफ थाट, और वो सोच जो उलझी हुई होती है, एंटेंगल्ड है, जो उलझी हुई है उसको सुलझाया जाए और उसमें से ख़ास बात वो निकाली जाए, टू डिटेक्ट, पहचाना जाए, तलाश किया जाए, वट इज़ सोफिस्टिकल, क्या ख्याली है, एंड टू डिस्कार्ड वट इज़ इरेलीवेंट, और ये सिखाती है कि किस चीज़ को रद्द करना है, डिस्कार्ड करना है, जो चीज़ गैर बेमकसद है, ये तालीम का मकसद है। इट प्रिपेयर्स हिम टू फिल एनी पोस्ट विद क्रेडिट, ये उसको इस लाइक कर देती है अपने स्टूडेंट को कि वो किसी भी जिम्मेदारी का ओहदा उसको तारीफ़ के साथ, विद क्रेडिट, एतबार के साथ, तारीफ़ के साथ उसकी ज़िम्मेदारी पूरी कर सके, एंड टू मास्टर एनी सब्जेक्ट, और किसी भी मौजू पर अबूर हासिल कर सके विद फैसिलिटी, आसानी के साथ।